नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपका खबर, नेहा गुप्ता के साथ। खबरें विस्तृत में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के दौरान कई जगह वीआईएम मशीन खराब। सिक्किम के 45 भूतपूर्व कर्मचारी राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए हैं। डुअर्स के माल बाजार अंतर्गत 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 युवकों को किसी की सहायता न मिलने पर अमानवीय मामला सामने आया है। सिलीगुड़ी की ओर जा रही एक वाहन मिरिक सरनी के बीच अवस्थित पाली गोलाई में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। संत निरंकारी मंडल के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति कर अमृतसर के निकट संत निरंकारी सत्संग भवन राजा सांसी में हुए एक ग्रेनेड हमले मृत भक्तों के प्रति शोक एवं उनके परिवारों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए, 1 जवान शहीद, 3 घायल। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के हथियार डिपो में धमाका, 4 की मौत, 6 लोग घायल, राहत एवं बचाव कार्य जारी। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के दौरान कई जगह आईवीएम मशीन हुए खराब। छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में अजीत जोगी, युद्धवीर सिंह जुदेव, रेणु जोगी, विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, 9 मंत्रियों समेत 1079 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। मंगलवार को दूसरे चरण के लिए 19 जिलों की 72 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। वोटिंग के शुरुआती क्षणों में ही धमतरी में एवं सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबर मिली, लेकिन कुछ ही समय के बाद वोटिंग दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो गई। सिक्किम के 45 भूतपूर्व कर्मचारी राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक के लाल बाजार स्थित एसकेएम के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष पीएस गोयल ने सभी नव आगंतुकों को आधिकारिक एवं औपचारिक रूप में पार्टी में स्वागत किया। इस तरह एसकेएम पार्टी में शामिल शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें सिक्किम टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव छेवांग नर्व भोटिया भी शामिल है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी जिले के युवा अध्यक्ष दावा छिरिंग तामंग के साथ कुल 9 भाजपा कार्यकर्ता भी एसकेएम में शामिल हो गए। कार्यक्रम में संबोधन के क्रम में छेवांग नर्व भोटिया ने पार्टी में शामिल होने के कारण के रूप में शिक्षकों के प्रति वर्तमान एसडीएफ सरकार की कथित शोषण दमन व नकारात्मक सोच को बताया है। वाच गरेको तपाईलाई पनि हामीले हेरेको पीएस गोले सरको आँट कति छ, हिम्मत कति छ, पीएस गोले सरले कतिको हामीलाई लिडरशिप दिन सक्नुहुन्छ, यो सबै कुरा हेरेर आज सिक्किमको मलाई लाग्छ 70% पब्लिक सरसँग छ। भोलिको दिनमा उहाँसँग किन छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो एनालिसिस के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिसियन्स त थुप्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, थुप्रै हुन्छन् पोलिटिसियन। अब आजदेखि त म पनि पोलिटिसियन भएँ नि, तर म लिडर होइन। लिडरको चाहिँ एउटा भावना हुन्छ, लिडरको चाहिँ एउटा डेडिकेसन हुन्छ, लिडरको चाहिँ एउटा तप हुन्छ, तपस्या गरेर मान्छे लिडर बनिन्छ। नेता त सिक्किममा पनि कति छन्, सबै नेता हुन खोज्छन्, तर यु आर द ट्रु लिडर सर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रुथफुलनेसमा हामी बसेर अब 2019 चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदयले सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा क्यान्डल बालेर प्रजातन्त्र खोजे जस्तो, हामी क्यान्डलले त कति उज्यालो दिन्छ र घर घरमा टेबल ल्याम्प बालेर चाहिँ हामी क्रान्तिकारी मोर्चाको सरकार बनाउने निर्णय दिँदै डुअर्सके माल बजार अंतर्गत 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 युवकों को किसी की सहायता न मिलने का अमानवीय मामला सामने आया है। दुनिया जैसे जैसे प्रगति की ओर बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे लोगों की मानवीयता का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा रहा मैटली थाना के अंतर्गत आने वाले नेवरा ब्रिज के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। बाइक दुर्घटना में 3 युवक सड़क पर पड़े हुए थे, लेकिन आते जाते किसी भी वाहन चालक ने उस तीनों युवकों की खैर किसी ने नहीं पूछी।
भला हो 46 नंबर सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी अतीश कुमार दास का, जिन्होंने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर अपने ही विभाग के एम्बुलेंस से घायलों को माल बाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। आशंकाजनक स्थिति में दो को उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर किया गया है, एक को माल बाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के नाम क्रमशः मोहम्मद मुख्तार, तपन कर्मकार एवं एक कृष्ण राय हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। For photography and videography, contact Somani Institute of the G Vision and Productions. Mobile number 94340-23813. Interested to learn photography, but don't have time on weekdays? Good news! We have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 98320789906. Address: Somani Institute of the G Vision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathaway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri. We streamed over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television contains produced HD video. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी ओर जा रही एक वाहन मिरिक सौरनी के बीच अवस्थित पानी गोलाई में हुआ दुर्घटनाग्रस्त। मिरिक सौरनी के बीच अवस्थित पानी गोलाई के रास्ते सिलीगुड़ी की ओर जा रही ओवरलोडेड माजदा गाड़ी नंबर WB73CC0741 पानी गोलाई के मुंतिर रास्ते के पास लगभग 15 फीट नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, गाड़ी में सिर्फ चालक था जो सुरक्षित है। उक्त गाड़ी का मालिक सिलीगुड़ी के रहने वाले बच्चू बर्मन को बताया जा रहा है, जो कि चालक है। संत निरंकारी मंडल के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति कर अमृतसर के निकट संत निरंकारी सत्संग भवन राजस्थान सी में हुए एक ग्रेनेड हमले मृत भक्तों के प्रति शोक एवं उनके परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। ज्ञात हो कि अमृतसर के निकट संत निरंकारी सत्संग भवन राजा सांसी में हुए एक ग्रेनेड हमले में 3 निर्दोष भक्तों की मृत्यु हो गई और लगभग 20 लोग हताहत हो गए थे। इससे उनकी निरंकारी मंडल को गहरा दुख हुआ है और सभी निरंकारी मंडल के सदस्यों ने शोक भी मनाया है। उनके द्वारा कहा गया कि इस घटना में जिन भाई बहनों के परिवार को क्षति पहुंची है, उन सभी की संत निरंकार मंडल हर संभव सहायता करने का आश्वासन देता है। संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी के सदस्यों की एक टीम इन सभी शोकग्रस्त परिवारों से मिलने के लिए अमृतसर पहुंच रही है। साथ ही उनकी ओर से निरंकारी प्रभु परमात्मा से प्रार्थना भी की गई कि ऐसी दुखद घटना और कहीं न हो और किसी को कोई क्षति न पहुंचे। निरंकार सभी को सद्बुद्धि दे, चाहे वह कहीं के भी रहने वाले हों। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए, एक जवान शहीद, 3 घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि 3 अन्य जवान घायल हो गए। वहीं LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, फिलहाल ऑपरेशन पूरा हो गया है। बीती रात शोपियां के नादिम गांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और रात में ही उसने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शोपियां के हुए इस एनकाउंटर में CRPF की 178वीं बटालियन RR और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त अभियान में शामिल रही। मारे गए आतंकियों के शवों को कब्जे में ले लिया गया है और अब उनकी शिनाख्त की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और LOC पर भी फायरिंग की गई। पुंछ में पाकिस्तान ने कई मोर्टार दागे हैं। इससे 2 दिन पहले शोपियां में ही सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच
मुठभेड़ हो गया था जिसमें सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया था। यह मुठभेड़ दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के रेबन इलाके में हुई थी। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के हथियार डिपो में धमाका, 4 की मौत, 6 लोग घायल, राहत एवं बचाव कार्य जारी। यह धमाका मंगलवार सुबह सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो CAD में हुआ जो वर्धा के सोनेगांव अंबाजी गांव में स्थित है। अंबाजी गांव वर्धा शहर से 18 किलोमीटर दूर है। यहां के जिलाधिकारी ने बताया कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 जख्मी हैं, जिनका इलाज नज़दीकी अस्पताल में चल रहा है। सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो सैन्य क्षेत्र है जो हथियार डिपो में इसे सबसे बड़ा माना जाता है। धमाके वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हथियार डिपो में धमाका होने के कारण जानमाल की भारी क्षति की आशंका है, इसीलिए आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। पूरे इलाकों को चारों ओर से घेर लिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सूत्रों ने बताया कि आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया है और घायलों को अस्पताल पहुँचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक वर्धा जिले के पुलगांव डिपो में खमरिया हथियार डिपो के स्टाफ पुराने और बेकार विस्फोटकों को हटा रहे थे, इसी दौरान धमाका हो गया। वर्धा के जिलाधिकारी ने बताया कि धमाका CAD के बाहर हुआ है, इसलिए आग ज़्यादा फैलने की आशंका नहीं है। आपदा प्रबंधन की टीम को काम पर लगा दिया गया है और जख्मी लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहें SK Live के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।